मेरे फादर के लॉस के बाद ना मुझे एक ऐसी चीज़ सिखा के गए हैं जो मैं कभी नहीं सीख पाता एक सपोर्ट सिस्टम जो होता है एक फादर जो होता है वो क्या है टू इयर्स बिफोर लूजिंग में मुझे ये चीज़ें समझ में आने लगी कि एक्चुअली किया क्या क्या बिन जताए क्या क्या करते गए मेरे लिए बोलता गया कि थोड़ा वोकल तो हो जाओ कुछ बोलो तो सही कुछ कभी पर ज़रूरत नहीं थी फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर बींग पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज ये तुम्हारी टाइग लाइन है तो बोलनी पड़ती है हमें थैंक यू फॉर हैपिंग मी तो फर्स्ट वील स्टार्ट विद की जो आपकी जर्नी रही है बचपन से लेकर अभी तक की आपने फादर के बारे में बताया Toh, मैं तो मैं स्क्रैच तो से इन योर वे एक पूरा यहां तक जो चली है उसको आप बताओ स्क्रैच से ओके पैदा तो बॉम्बे में ही हुआ था एंड हम एक काफ़ी इन फैमिली दादा चाचा हम सब साथ में रहते थे एंड देन इवेंचुअली व्हेन माय चाचा आल्सो मैरिड तो फिर वी मूव्ड आउट बट अ वेरी क्लोज फैमिली मेरे फादर के मेरे फादर के इंक्लूड करके चार भाई बहन थे एंड uh, हम आज भी बहुत क्लोज है एज अ फैमिली तो हम बड़े ही वैसे हुए हैं कजनस के साथ में हाँ सारे कजन साथ में उठना बैठना खेलना कूदना द बेस्ट टाइम्स आई थिंक आई वेवर हैर बिकॉज वो टाइम पर कुछ समझ नहीं होती थी कि यू you नो know, uh, किस के पास क्या है किसी के पास क्या नहीं है वो सब चीज़ें भी कोई समझ नहीं होती थी विच वॉज आई थिंक द बेस्ट यू नो फेस टू मतलब तोलते नहीं थे किसी को कुछ नहीं हो yeah. जितना है ना उसमें इतनी खुशी मिल जाती थी दैट इट वॉज वेरी वेरी सफिशेंट वो तो बड़े होते हो यू गेट करप्टज वेन यू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये चीज़ों का मोल क्या है सो so, uh, वैसे बड़े हुए मैं मैं मेरे मेरी सिस्टर मेरे दो कजन हम सब एक ही स्कूल में भी जाते थे हम uh, स्कूल बस में पहले ट्रैवल करते थे फिर उसके बाद वी फिगर आउट वे कि भाई uh, स्कूल बस का थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है अच्छा हाँ हाँ सो देन हम हम चारों बी बस में ट्रैवल करते थे सुबह एंड आई वॉज वेरी वेरी यंग एट दैट टाइम एंड मुझे जाना पड़ता था हीरा रंधारी मेरा स्कूल था वहाँ पे तो हम जाते थे बी बस में वो एक अलग एक्सपीरियंस था दैट यू फील्स लाइक यू परोना की बी एस टी बस में जा रहे हैं और कोई नहीं जाता था वो टाइम पर तो उसका uh, भी एक अलग थ्रिल था छोटी 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 चीज़ों में थ्रिल में जाता था एंड देन माई एंटायर लाइफ आई थिंक ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ईयर्स आई लिव इन वन हाउस एंड एक टू बेडरूम का घर था एंड जे पी नगर में एंड जितने मेरे दोस्त थे सारे बिल्डिंग में हम सब यूजली हम सब मोस्टली हम आसपास के की उम्र के थे कोई एक साल छोटा कोई एक साल बड़ा कोई मेरी उम्र का तो एक इतना अच्छा यूनिट बना हुआ था कि खेलना कूदना उठना बैठना सब कुछ साथ में था बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हमारी बिल्डिंग भी बड़ी थी तो ग्राउंड थे गार्डन्स थे हमारे आस के बिल्डिंग में भी हम हमारे उम्र के काफी सारे लोग थे तो वो कभी आते थे क्रिकेट खेलने के लिए एंड uh, जो हारेगा वो दूसरे वाले को पेप्सी पिलाएगा हम कई बार हारे हमने कभी पेप्सी नहीं पिलाई <laughs> 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 तो बस ऐसे बड़े होते गए एंड देन uh, मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक़ था माय फादर सेड कि चलो आई यू टू दिस एयर इंडिया ग्राउंड वहाँ पे एक अच्छे सर है भाटिया सर मुझे आज का नाम याद है वहाँ पर हम ट्रेनिंग करेंगे तो कलीना में तो uh, मुझे मेरे डैड हमेशा लेके जाते थे उनको भी बड़ा इंटरेस्ट था वहाँ पर तो यू you नो know, क्रिकेट में तो uh, ही हैड हिज एक्सपर्ट ओपिनियन की अरे यारैसे बॉलिंग कर रहा है यार बाहर से अरे बाहर की बॉल क्यों छेड़ा यार नहीं खेलना चाहिए था बाहर की बॉल सो ही हैड हिज एक्सपर्ट ओपिनियन इज ऑल्सो गोइंग ऑन तो डैड कभी वहाँ पे एम्पायर बन जाते थे कभी वहाँ पे एज अ कोच बन जाते थे कि गिरो you know, नहीं बॉलिंग एक्शन ऐसी होनी चाहिए नहीं स्ट्रेट बैट स्ट्रेट बैट पर कॉन्सेंट्रेट करो डैड uh. ने कभी खेला नहीं था बट ये क्या पैशन था देखने का था तो ही ऑल्सो वॉज जस्ट इन्वॉल्व इन एवरी प्रोसेस ऑफ माइंड नॉट जस्ट माई Uh, वो एक ऐसे रहे इंसान कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरा बेटा है मैं चाहता हूं कि ये ही आगे बढ़े अगर आप में उनको कुछ एक काबिलियत दिख गई एनी फील्ड ही विल सपोर्ट यू तो हमारे ये जो ब, हमारा जो हमारा ऑफिस भी है तो मेरे डैड ने वहां पे कई जितने वर्कर्स हैं वहां पे उनके जितने भी बच्चे थे उनको गाइड किया नॉट जस्ट मॉनिटरली बट एक गाइड किया उनको बुलाते नॉट नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड कि भाई मैं मोनिटरी मैं तुझे पैसे देता हूँ तुझे जो करना करना, है, करना है, कर, वो नहीं एक गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज दे नॉट नॉट द द पेरेंट्स मोस्ट हाईली एजुकेटेड पीपल तो एक वो गाइडिंग फोर्स चाहिए था तो एक को इंजीनियर बना दिया एंड ही वॉज वर्किंग वेरी वेल आई थिंक ही इज मूव अब्रॉड राइट ना आई थिंक एयरटेल में वो काम कर रहा था अभी वो अब्रॉड है तो ही इज डन वेरी वेल फॉर इज फैमिली तो डने uh, ऐसे कई लोगों को यू नो जस्ट एक हेल्प करते थे पता नहीं क्यों ही जस्ट हैड इट इन हिम एक लड़का था मेरी बिल्डिंग में मेरा अच्छा दोस्त तो ही वॉज अ बेटर प्लेयर आई वॉज इन क्रिकेट उसको ज्यादा सपोर्ट करते थे कभी कभी मुझे था था कि पर तो मैं थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान दे दो बट इट वॉज जस्ट हिज नेचर सो ही काइंड ऑफ उन्होंने मुझे दरवाजा दिखाया कि ये दरवाजा खोला कि भाई यहाँ पे ये क्रिकेट है ये आई पुश यू एज मच एज यू बॉर्न और मैं अच्छा भी खेल रहा था एक इंजरी हो गई मुझे उसके बाद मैं खेल नहीं पाया तो फिर डैटने कहा चलो अब एक्टिव बढ़ते हैं हाँ बल्कि ये नहीं कि चल पड़ते हैं हाँ 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 एक दरवाज़ा खोला और करते, करते हैं कि मैं तेरे साथ एक्सप्लोर करूंगा ये नहीं कि मैं बोलूंगा कि तू निकल जाए इस रास्ते में मैं साथ साथ चलूंगा मैं आगे चलूंगा उल्टा आई होल्ड योर हैंड एंड आई आर वॉक अहेड ऑफ़ यू और मैं रास्ता दिखाऊंगा तुझे पसंद है तो हम करेंगे हम डाइव कर लेंगे फिर इसमें नहीं है तो फिर हम देखेंगे प्रॉब्लम कुछ नहीं है टाइम नहीं निकला जा रहा दिस वॉज मतलब मेरी पहली फिल्म आई थी जब मैं चौदह साल का था चौदह साल के थे चौदह साल का था मैं तब तो मेरी पहली फिल्म आई थी एक छोटी सी लव स्टोरी तो आ, वो डैडनी ही हाथ पकड़ के चौदह साल की उम्र में किसको क्या समझ में आएगा तो डैडनी हाथ पकड़ा था और वो दिखा दिखाई दिखा कि ये करना है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि एक चीज़ ये करना कि एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर लेना ग्रेजुएट बन जाना खुद मुझे नहीं चाहिए कि मेरे फादर मुझ पर उंगली उठा के बोले कि यार तूने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी और उसका एक्टिंग में भी कुछ नहीं हुआ नाउ ही इज नो वे सो सेड एक वो बेस बनाना जरूरी है मैंने कहा ठीक है आई एम वेरी हैप्पी टू डू इट वट एव यू आर सेंग आई एम फॉर इट यू आर मेकिंग माई डिसीजन फॉर मी आई एम वेरी वेरी हैप्पी तो उस दौरान मुझे आ, जब बच्चे खेल रहे होते थे मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता था बट इट नेवर फेल्ट एज अ प्रॉब्लम आई वॉज वेरी हैप्पी डूइंग दोज ट्रेनिंग्स मतलब मैं डांस कर रहा होता था मुझे पसंद आता था डांस करना मैं मार्शल आर्ट्स कर रहा था मुझे पसंद आता था मार्शल आर्ट्स करना Uh, ये मैं करते गया करते गया करते गया समझ में नहीं आया कब मैं करते करते ताइकॉन्डो में मैं थर्ड डिग्री ब्लैक बेल्ट बन गया है समझ में भी नहीं आया वो समझ नहीं आया कि मैंने इतने साल उसमें बिता दिए इतना अपने आप को एक्सप्लोर कर लिया मैं साउथ uh, कोरिया चला गया उसके लिए मैंने वर्ल्ड नंबर वन टीम के साथ ट्रेनिंग की वहाँ पर मैं एक और इंसिडेंट बताता हूँ जब मैं साउथ कोरिया में था तो uh, जो मेरे मास्टर हैं वो उस ट्रिप में आ नहीं पाए थे एंड हम इंडिया से तीन सेपरेट टीम्स जा रही थी अंडर वन बैनर जिसको लीड मैं कर रहा था बिकॉज मैं सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था कोरिया में मैं तीन तीन बार जा चुका था तो मेरे सर ने मुझे कहा कि यू विल लीड दिस टीम यू टेक देम मेक श्योर कि सब कुछ सिस्टमैटिक है हुँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को और मुझसे ज्यादा सीनियर मतलब मैं अगर बीस इक्कीस साल का था उस दौरान तो Uh, जो मेरे सीनियर्स थे जो बाकी टीम के कोचेस थे दे वो पचास साल के थे पचपन साल के थे साठ साल के थे तो मुझे थोड़ा सा उनको मनीूवर करना पड़ता था ईगो प्रॉब्लम्स कोई नहीं थे जस्ट दैट सबको समझाना पड़ता था कि मैं इस देश के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ आपसे तो मुझे हैंडल करने दो आप इसमें प्रॉब्लम नहीं है uh, कुछ इश्यूज हो गए बाद में और uh, कुछ पैसे ख़त्म हो गए थे एंड बिकॉज हम काफ़ी टाइम के थे वहाँ पे, आई थिंक वी वर there for एक महीना हम थे वहाँ पे एंड हम काफ़ी सारे लोग थे तो एक टीम के पैसे ख़त्म हो गए एंड आई वॉल्टियर ऐसे कि मेरे मास्टर आ रहे हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रिप तो वो मुझे री कर देंगे मुझे उसका प्रॉब्लम नहीं है बट फिलहाल ये प्रॉब्लम से हमें बाहर निकलना बिकॉज रात को फिर सोने को जगह नहीं दी ये प्रॉब्लम थी मैंने कहा इस प्रॉब्लम से बाहर निकलते तो मैंने अपना पूरा वॉलेट जो था वो मैंने खाली कर दिया ये सोच के कि आई गेट द मनी बैक आई बी सॉटेड और मुझे अकेले उसके बाद एक महीना खुद की ट्रेनिंग करनी थी वहाँ पे. वहीं पे, ही वहीं पर साउथ कोरिया में तो मुझे अकोमोडेशन देखना था मुझे अपना खाना देखना था मुझे ट्रेनिंग फीस देखनी थी सब कुछ मुझे देखना था कुछ ऐसा हुआ मेरे मास्टर शायद आ नहीं पाए एंड देन दिस टीम हैो बैक एन आई वॉज लेफ्ट विथ पेयरली एनी मनी और ऐसी जगह पर जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती थी मतलब आपको में से दो या तीन लोग मिल जाएंगे जो टूटी फूटी इंग्लिश बोल पाएंगे अब वहाँ पे भी बिकॉज मैं तीन बार जब ट्रिप में गया था तो मेरे मास्टर साथ में थे तो अकोमोडेशन वॉज सॉर्टेड फूड वॉज शॉर्टेड एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड यहाँ पे खुद सॉर्ट करना था और मैं बीस इक्कीस बाईस साल का वहाँ आऊँगा मुझे आइडिया नहीं मैं रहूँ कहाँ पे मुझे कुछ आइडिया नहीं तो मैं लोगों से कुछ कुछ पूछ रहा हूँ तो किसी ने बोला कि गोशी वॉन करके कुछ होता है मैंने कहा वो क्या है बोला कि एक फ्लोर है उस पर पचास क्यूबिकल होते हैं सो यू कैन रेंट आउट वन क्यूबिकल तो मैं एक जगह पे गया फैबुलस मतलब बाथरूम सब इतना बढ़िया वेरी स्मॉल क्यूबिकल्स बट बहुत ही अच्छा था बट उसका रेंट बहुत हाई था मैंने कहा यार मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा मैं रहूंगा कैसे पहले यहाँ पे तो आई वेंट टू ना वन विच वॉज बिलो स्टैंडर्ड आई ऐसे अच्छा ये मेरे पॉकेट में फिट होता है उसमें बाथरूम कॉमन था उसमें मेरे कमरे में आ, ना खिड़की थी ना पंखा था ना एसी था और जो मेरा कमरा था वो था पाँच फुट बाय छः फुट और एक कॉमन किचन था तो खाना भी प्रोवाइड नहीं करते सिर्फ चावल देते हैं अब मुझे खाना बनाना नहीं आता मैं मैगी बना सकता हूँ मैं अंडा बना लूंगा बट वो मैं कितना खाऊंगा मैं थ्री मील्स फॉर थर्टी डेज तो नहीं कर सकता तो अब मैं वो सोच रहा हूँ कि मैं करूँ तो मैं क्या करूँ तो किसी ने मुझे बोला कि Uh, उसी फ्लोर पे एक लड़का रहता था आदमी उसको हल्की हल्की से इंग्लिश आती थी उसने मुझे बोला कम आई हेल्प यू बाय फ्यू थिंग्स तो पूरा पूरा एक महीना 90 मील्स एटलीस्ट थ्री इन मील 90 मील्स मैंने चावल और सूखा जो भी बनता था जो भी मुझे बनाने आता था मतलब एक फ्राइंग पैन पे मैंने ये करके जो था जो बन गया hmm. तो मैंने एक महीना पूरा वो किया और बट पता ही क्या कभी ये नहीं लगा कि यार क्या मुसीबत है यार कहाँ फंस गया हूँ यार मैं ये क्या कर रहा हूँ यार मतलब ये खाना सही नहीं है वट एम आई डूइंग वो कभी नहीं लगा बिकॉज आई इज़ इन अ हैप्पी स्पेस मैं ट्रेनिंग करता था अपनी वहाँ पे और जब एक वो होता ना कि जब आपकी इच्छा सही होती है जो आपका मन साफ होता है तो चीज़ें अपने आप होने लगती है तो वहाँ पे एक डांसिंग टीम थी जो बी बॉइंग करती थी वो टाइम बी बॉइंग इंडिया में जस्ट शुरू शुरू हुआ था इंट्रोड्यूस हुआ था वहां पे कोरिया में बहुत लोग कर रहे थे तो मेरी एक मुलाकात हुई थी किसी से और उसने कहा कि तू आ जा और हम ना रोज एक थिएटर परफॉर्मेंस करते हैं उसके पहले हम कम से कम दस बारह लड़के होते हैं हम सब ट्रेनिंग करते हैं तू आ जा ट्रेनिंग कर हमारे साथ मैंने कहा ओके अब मुझे वो सवाल तो पूछना था कि भाई मेरा फीस कितना ट्रेनिंग का उसने बोला ओ इंडिया कोरिया ब्रदर ब्रदर नो प्रॉब्लम यू कम 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 फ्री ओ ऐसे एंड वो जो लड़का था एट दैट पॉइंट वो वर्ल्ड का नंबर वन बी बॉय था बी बॉय डॉक्नेस वो मुझे ट्रेन करा था वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट दैट इंडिया कोरिया भाई भाई तो मुझे यही लगा था कि यार जब कुछ करने जाओ जब मन साफ हो ना तो वो दे जस्ट फॉल इन टू प्लेस इट ने प्रॉब्लम एक महीना में वहां पर रहा रात का दो रात को दो दो तीन तीन बजे मैं अपने लैपटॉप पे बैठा हूँ वहाँ पे जो मैनेजर था वो दारू पी के आया है मेरे कमरे में नीचे बैठ गया है मुझे तीन बजे योगा सिखा रहा है मैंने कहा यार सिखा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे देश से शुरू हुआ है बट चल तेरे पास भी आ गया तुम बता दे मुझे ब्री इन ब्री दिन रात को तीन बजे उसने मेरे बसा भी किया चला गया मैंने कहा ये एक्सपीरियंसिस दैट विल ऑलवेज रिमेन विथ मी ये नहीं कह सकता कि ये हार्डशिप थी मेरे लिए बढ़ा एक रैंडम कंट्री में जहाँ पे अपनी भाषा नहीं बोली जाती जहाँ पे पैसे नहीं है जेब में मैं एक महीना सर्वाइव कर गया इससे बहुत मुश्किल सिचुएशंस uh, में लोग रहते हैं बट मेरे लिए ये एक एडवर्सिटी थी एंड आई केम आउट स्माइलिंग फ्रॉम इट तो आई वॉज आई सेड कि यार ये चीज़ कर दी ना तो शायद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मेन्यूवर करना मुझे आ जाएगा बल्कि मैं और बात भी करे इस बारे में जब वैन से दिस थिंग यू वैन यू वर्क फॉर समथिंग एंड यू प्योर बाई हार्ट है न तो आपको जरूरी नहीं है कि आप जो टाइम में जो भी आप मेहनत कर रहे हो वो आपको ऐसा लगे कि यार ये एफर्ट मैंने बहुत ही एक्स्ट्रा डाल दिए आपको लगे यार ये तो ये तो पार्टन पार्सल है तो मुझे करना ही था कुछ लोग क्या होता है अरे टाइकोंडो सीखूँगा मेरे अब मेरे एक्टिंग में तो कोई काम नहीं आ रहा है तो बोले यार छोड़ना कुछ और सीखता हूँ बट आपने ऐसे कभी अप्रोच नहीं लिया मैं एक टाइम एक्टिंग छोड़ने वाला था मैं इतना हाँ उल्टा हो गया था कि मैं ताइकॉन्डो में इतना इन्वॉल्व हो गया था Uh, जो मेरी टीम थी वो मेरे इतने करीब हो गई थी मेरे मास्टर मेरे कोच उनका जो विजन था मुझसे इतना करीब हो गया था आई सेड यार इसको हम बड़ा कर सकते हैं एंड uh, हमने बड़ी कोशिश की थी वी हैड uh, हमने कोरियन टीम्स को यहाँ पे अपने मेरे सर ने खर्चा किया था उनको यहाँ पे लेके आना बड़े बड़े सेमिनार्स करना चैम्पियनशिप्स करना हमने बड़ी कोशिश की थी इट मतलब इट डिड वेड वेल हम uh, अपने कम्युनिटी में हम टाइगव कम्युनिटी में हम काफ़ी जाने जाते हैं उस तरीके से बट कभी ये नहीं लगा कि ना ये मेहनत हो रही है वो कभी नहीं लगा कभी हम बारह बारह घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं कभी ये नहीं लगा कि शिट थक गए यार अब जाके सो जाते हैं ये करते हैं ना और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ जो मेरी टीम भी थी आसपास इट डेंट फील लाइक यू आर वर्किंग वो लगता था कि यार मज़ा आ रहा है करते रहो टीम साथ में टाइम निकलते जा रहा है आपकी स्किल बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते, है, बढ़ते, है, बढ़ते जा रहा हैं आपको पता भी नहीं चल रहा तो जिस चीज़ में खुशी मिल जाती है ना कि यू आर यू फॉलो इन लव विद वॉट यू आर डूइंग वो कभी काम लगेगा ही नहीं आप सेम विद एक्टिंग मुझे आप बोल दो कि यार सुबह सुबह जाके जॉगिंग करनी है मैं बोलोगा मुझसे नहीं होगा मैं रात को कर लूँगा बट मुझे बोलोगे कि भाई सुबह शूटिंग है मैं झट से उठ जाऊँ मुझे आई लव डूइंग वट आई डू सो इट डजेंट फील लाइक वर्क एट ऑल अगेन मतलब हमने इस बारे में बात की थी आपने अपने फादर के बारे में बताया था यू रिसेंटली इन कोविड यू लॉस्ट टाइम है ना यू सर वॉज ऑलवेज देव फॉर यू एज अ सपोर्ट सिस्टम और सपोज जो होने के बाद ना एक, एक टाइम जब वो चले गए तो आपको ऐसा लगा गया वो चले गए तो अब रास्ता कैसे होगा मतलब उन्होंने हमेशा आपको पता ना आपने हाथ से हाथ में ला के चले आप, हमेशा बड़े एक पॉइंट वो आ गया मतलब मैं वो समझ सकता हूँ कि जब वो पॉइंट आया होगा तो कैसा लगा ऊपर हेल्पलेस बिकॉज आपने जैसे जितनी बातें हमने अभी देखी उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि आप अकेले थे वो दो बातें थी कि मैं भी था और मेरी पढ़छाई भी थी बिल्कुल बिल्कुल और मुझसे आगे चलते थे मतलब मैं आपको और एग्जाम्पल्स देता हूँ Uh, मेरे ऑडिशन्स होते थे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं वो अपना काम छोड़ के आते थे सो ड्राइव मी फ्रॉम अंधेरी टू टाउन जाते थे हमेशा ड्राइव करके लेके जाते हैं बैठते थे मेरे साथ में वहाँ पर uh, फिर उसके बाद मेरी फिल्म आई थी uh, पुरानी जीन्स विच डिंट डू एज वॉट वी वुड है एक्सपेक्टेड नो प्रॉब्लम तू करता रहे तू अच्छा था तेरा परफॉर्मेंस अच्छा था उसमें उसके बाद तुम बिन टू आई जिससे मुझे मेरी फैमिली को बड़ी एक्सपेक्टेशन थी बिकॉज ऑन पेपर एवरीथिंग वॉज वर्किंग मैं ये नहीं कहता कि डीमोनेटाइजेशन वाज़ द द ओनली फॉर इट कुड कुड बी बी मेनी इश्यूज फिल्म हैव हैड अ प्रॉब्लम आई आई मे बायस्ड डोंट नो में वो नहीं चली वो मेरे लिए हार्ट ब्रेक हो गया था मैं मैं घर में uh, रहना मैंने यू you नो know, मैं डॉज करता था अपने पेरेंट्स को स्पेशली मैं अपनी मदर को डॉज करता था घर में क्यों सिंपली बिकॉज शी इज अ मदर शी इज शी इज शी इज करेक्ट टू बी कंसर्न कि यार नहीं हो रहा फिल्मों में नहीं हो रहा शुड ही डू समथिंग एल्स शुड ही डू समथिंग एल्स और ये मुझे मुझे खाता था कि यार मैं फेल हो गया क्या मतलब क्या हो गया बट देर वॉज ओनली वन पर्सन वो सेट तू करता रहनाट वरी अबाउट हाउ द हाउस विल रन वो मेरे पे छोड़ दे यू आर गुड एट वॉट यू डू यू कीप डूंगट लेट द रेस्ट बी ऑन ये आई सेट ओके मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है मैं कर दे जा रहा हूँ बट मैं फिर भी डॉच करता था मैं सुबह लेट उठता था मेरे फादर ऑफिस ले निकल गए मैं नाश्ता वाश्ता किया उसके बाद मैं घर से निकल गया हूँ कहाँ हूँ क्या कर रहा हूँ किसी को कुछ नहीं पता अकेला बैठा हूँ दस दोस्तों को फ़ोन कर रहा हूँ कोई एक जन फ्री हो तो मैं उसके साथ टाइम पास कर लूँ बट जब तक दोनों सो नहीं जाते मैं घर नहीं आता था ये मेरा डिफेंस मैकेनिज़्म था कि अपने फेलियर से मैं डील कैसे करूँ ही नहीं करना है कि मैं फेल हो गया कोई मुझे बो, कोई बोले ना मुझे कि यार मैं फ़ेल हो गया वो मैं हैंडल नहीं शायद नहीं कर पाऊँ तो ये मेरा डिफेंस मैकेनिज्म था बट ही ऑलवेज कि तू करता रहे टेंशन मत ले तो आई जस्ट कैप गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन टिल ऑफ हैव हैेंड इन माई लाइफ राइट नाउ और फिर फिर जब कोविड आया तो टुक माई फादर फ्रॉम मी इट टुक सेफ्टी ब्लैंकेट कि डिसीजन खुद लेने की जरूरत नहीं थी उस समय तक माई फादर वॉज ऑलवेज देय कि दिस इज़ वॉट आई थिंक यू शुड डू डू यू थिंक एंड आई वुड लोर इट एंड आई वुड से यू वर करेक्ट अब सडनली ना वो एक uh, शायद मुझ में वो डिसीजन मेकिंग केपेबिलिटी शायद नहीं थी क्योंकि शायद कभी आज तक लेनी नहीं पड़ी थी <laughs> uh, तो मैं सडनली समझ नहीं आया मैं अब क्या करूँ वॉट डू आई डू वॉट डिसीजन एम आई सपोज टू टेक माई मदर इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द मोमेंट वो वॉट एम आई सपोज टू डू तो डीलिंग विद इट आज तीन चार साल हो गए आई आई एम स्टिल नॉट द बेस्ट एफ टेकिंग माई ओन डिसीजन्स आई नीड दैट हेल्प आई एम डेफिनेटली बेटर बट आई डोंट थिंक आई डेल्ट विद माई फादर्स लॉस टिल नाउ बिकॉज पिछले चार सालों में इतनी चीजें चेंज हो गई हैं मैं मुझे कोविड के बीच में मुझे उस घर में रहना नहीं था फिर से तो मुझे वो घर बेचना पड़ा मैं मुझे मैंने दूसरा घर लिया uh, इस दौरान इतनी सारी चीज़ें थी जो बिखरी हुई थी वो समेटनी थी आई हैड टू सॉल ऑफ टेक केयर ऑफ माई मदर ऑल्सो इस दौरान घर बनाना है इस दौरान आई गॉट मैरिड इस दौरान मैं शूटिंग कर रहा हूँ ये वो आई जस्ट हैव द टाइम टू डील विद इट आई स्टिल हैव एन है टाइम टू विद विद इट आई आई डोंट नो इफ डेल्ट करेक्टली एंड एंड फाउंड योर टेक वेरी ब्यूटिफुल ऑन लॉस ऑल्सो मैंने से पूछा था आपसे कि लॉस क्या होता है लाइफ में तो आपने उसका एक टेक दिया था मैं चाहता हूँ उस बारे में बात करो आपने बोला था कि मैं लॉस होता है लॉस इंसान अकेले का नहीं होता है बहुत कुछ बहुत कुछ चला जाता है उनके साथ हाँ uh, जब यू you नो know, जब फादर गए तो जैसे मैंने कहा था कि यू नो सो मच जस्ट वेंट अब हिम माय माय सेफ्टी माय हैप्पीनेस माय सिक्योरिटी माय मदर्स सिक्योरिटी एवरीथिंग जस्ट वैनिश्ड ओवरनाइट इट इट एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड तो ये भी नहीं कि प्रेपिंग फॉर समथिंग इट जस्ट पन सो सडन दैट नो बडी वॉज रेडी फॉर इट सो इट जस्ट शुक एवरी थॉर आस समझ नहीं आया फिर करें कि आई रिमेम्बर माई मॉम सिंह कि अब क्या करेंगे और वो सवाल से मैं डर गया था कि हाँ ये सवाल तो मेरे अंदर चल रहा था कि अब क्या करेंगे आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई माई मदर टू बी एक दान नॉट टू आज दिस क्वेश्चन की मैं शायद अपनी मॉम पे मैं रिलाई कर लूंगा बट अब मॉम ने भी कह दिया अब क्या करेंगे तो जस्ट शुकज अच्छा आप मानते बहुत जरूरी होता है कि जिस घर में आप रहते हो और जहां फॉर द सेक ऑफ गुड यू हैव टू लीव दिकॉज कोई जो चला गया है ना, yeah. पे ना, मतलब, अगर आप रहोगे ना तो आप चीजों से बाहर नहीं आ पाओगे कभी आप चीजों से कभी बाहर नहीं आ पाओगे यू नो है तो आई वुड लव टू लिव इन दोपी मेमरीज इफ इफ बचपन गुजारा वहाँ पे और किसी का समय आ गया जाने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं बट जब ऐसे मैं, मुझे दो साल हुए थे उस घर में रहे रहते हुए तो सडनली मुझे लग रहा है कि यार मैं सत्ताईस साल अट्ठाईस साल किसी दूसरे घर में था कहीं और था एनी थिंग वॉज वर्किंग परफेक्ट आई हैड माई फैमिली टुगेदर एंड जब दो साल हो गए इस घर में एंड सडनली दिस हैपन वो घर फिर लगता है कि यार कुछ गलत है इस घर में कुछ तो काटने को दौड़ रहा है कुछ सही नहीं है समथिंग इज़ नॉट सिटिंग करेक्ट विथ मी सो वी टुक दिस डिसीजन इन वन मंथ कि नहीं रह पाऊंगा इस घर में एंड माय मदर वाज यू नो फॉर हर इट्स लाइक कैन अंडरस्टैंड फॉर द हमारा प्लान ये था कि आफ्टर आई गेट मैरिड आई वुड लिव विथ माय पार्टनर एंड माय मदर एंड माय फादर वुड लिव देम टुगेदर एंड हम एवरी स्पेंड टूगेदर विल है मील टूगेदर एंड ये हमारा प्लान ऑलरी था तो फॉर माई मदर इट जिस बिकेम सडनली अपना सपोर्ट इज नॉन रहे मेरे मेरे ये नो जिसके साथ आई है ही इज गॉन तो उनका जो माइंड सेट था उनका जो थिंकिंग केपेबिलिटी थी इट जस्ट स्टॉप फॉर दो फ्यू डेज मैंने कहा मैं इस घर में नहीं रह सकता मोम बॉडी यू फील शी से डू वॉट यू फील इज करेंट एंड कोविड के बीच में डीलिंग ऑल ऑफ दिस वो घर बेचा ये घर लिया इस घर को बनाया कुछ जस्ट टाइम ही नहीं मिला अच्छा so, जैसे आई वोट नो योर टेक ऑन दिस है ना वी आर लिविंग वेरी मॉडर्न वर्ड है ना बहुत मॉडर्न अप्रोच मेंव यू सी यू ऑलवेज मस्ट एव गॉट सो मेनी फीमेल अटेंशन ऑल्सो है ना मेनी टाइम वेरी फीमेल अटेंशन बट स्टिल वो रिलेशनशिप का बॉन्ड जो होल्ड करना होता है मैरिज का बॉन्ड वो कैसे रहता है मतलब आपको बिकॉज आई एम श्योर बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बहुत अप्रोचेज ना हो चीजें बट आपने वो कैसे रिलेशनशिप को को हैंडल किया कि नहीं यार ऐसे आप एक रिलेशन हमेशा होल्ड करके रखते हो वन थिंग अबाउट मी आई रिलेशनशिप मैन मैं मुझे कहीं से अटेंशन मिलता है तो ओके okay, मुझे कॉन्फिडेंस इश्यूज बहुत रहे हैं अच्छा आज भी हाँ बहुत ज्यादा और मैं आज भी डील करता हूँ देख के लगता नहीं है बट फिर भी हाँ मैं आज भी डील करता हूँ अपने कॉन्फिडेंस इशूज से uh, बहुत सुपर सी चीज़ से शायद शुरू हुई थी दैट uh, मुझे अपने सरनेम से मुझे हल्की सी ना वो सील बोलने में मुझे शर्म आती थी, थी स्कूल साय uh, सब मुझे फिर सील 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 बोलते थे हाँ uh, तो शायद वहाँ से शुरू हुआ या कहाँ से शुरू हुआ मुझे आइडिया नहीं इस चीज़ का बट आई वॉज लैकिंग अ लॉट इन कॉन्फिडेंस ऑल्सो आई नो वन ऑफ़ द रीजन्स वॉज़ कि जब मैं बात करता था पहले तो मैं बहुत तेज़ बोलता था कि अगर मैं बात करूं तो जल्द ये हो जाता था तो अब मैं बोलने की कोशिश भी करूं ना कि अगर मेरे दिमाग में कुछ है मुझे आपसे बात करनी है ना तो मैं मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मुझे पता है कि मैं बोलूंगा ये हो जाएगा और आपको तीन बार मुझसे पूछना पड़ेगा क्या हो रहा है और वहां पे मेरा कॉन्फिडेंस टूटते जाता है टूटते जाता है टूटते जाता है फिर आदमी बंद हो जाता है वो बोलना बंद कर देता है बोलना कम कर देता है तो मेरे साथ ये इशू बहुत था सो आई विद लॉड ऑफ कॉन्फिडेंस सो आई थिंक वहां से शायद स्टेम होता है कि आई वॉन्टेड लुक थ्रू ऑल ऑफ दिस और जो मेरा सपोर्ट सिस्टम बने है कि की रिलेशनशिप मैं कभी मेरा वो वन नाइट स्टैंड और ये सब में कभी मेरा इंटरेस्ट रहा नहीं है नॉट दैट आई मेरा uh, वो तो दस कर्मा द तो ये नहीं कि मैंने चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की बट आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ इट एवरी मिनट ऑफ जस्ट बींग दैट परसन आई वॉज इंट पोर्ट्रेइंग दैट पर्सन हु आई वॉज मुझसे वो मुझे पसंद नहीं था तो जब रिलेशनशिप की बात होती ना तो मैं पकड़ के रखता हूँ और मैं तो वो हूँ जो थोड़ा इसमें डाल दो ना कॉफी तो मैं ऐसा बन जाऊंगा hmm. मैं थोड़ा वैसा मिक्स, मिक्स, हो हाँ मैं मिक्स हो जाऊंगा मैं मैं अपने पार्टनर को प्रेफरेंस देता हूं एंड यू हैव टोल्ड मी दिस थिंग आल्सो यू टुडे यू फील लाइक आफ्टर योर फादर्स लॉस योर मैरिज एंड द लेडी हु केम इन योर लाइफ शी इज द डिजन मेकर नाउ या शी नो इज इज द लेफ्ट द राइट फॉर यू शी इज दो शी दो शी इज नॉट गोल मॉडल मी उसका टाफिला आता है वो मेरा हाथ पकड़ के ये नहीं बोलेगी कि चल 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 मैं तो जो रास्ता दिखाती हूँ बी अ ग्रोन अप आई एम टेलिंग यू वट इज करेक्ट वट मे बी करेक्ट वट मे बी रॉन्ग ये वो बट बी अ ग्रोन अप टेक योर ओन डिसीजन बट एक जो स्टेबिलिटी है ना वो आई थिंक अनुष्का इज गॉटन एंड नॉट जस्ट फॉर मी मेरी मदर के लिए भी आई uh, थिंक मेरी मदर ने कहा भी था दैट यू नो हम ठीक है बिकॉज यू हैव कम इन टू आर लाइफ वी आर ओके वे आर ओके राइट नाउ एक 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 बात हम कर रहे थे मैं चाहता हूँ उस पर आप अपना टेक दो आपने बोला था ना कि लाइफ में ना पेस तो बनता है बहुत आप बहुत तेजी से भी चलते हो लाइफ में सब कुछ सही भी होता है सब कुछ बट आपको ना कभी रुकना नहीं आता और अपने बारे में सोचना नहीं आता कि वट आई रियली वॉन्ट वाई एम रनिंग द रेस विच इज नॉट रिक्वायर्ड या मेरे साथ हुआ ना ये आ, yeah. मेरे फादर के लॉस के बाद ना तो चीजे समेता गया मुझे ये समझ में आया कि नाउ आई एम द ब्रेड बिनर इन द फैमिली तो मुझे काम करते रहना है काम करते रहना है मुझे घर बनाना है अपना मुझे अपनी मॉम को ठीक रखना है ये वो तो लाइक आई सेड आई आई डोंट थिंक डील्ट विद माय फादर्स लॉस इस दौरान कभी रुक के ये नहीं पूछ पाया अपने आप से कि भाई तू ठीक है या तू ठीक नहीं है कई बार हुआ है कि मैं रात को ऐसे ही सोते सोते कुछ आंसू निकल रहे हैं बिकॉज आई एम थकिंग अबाउट हिम तो ये कई बार होता है फिर बट मैं उस बारे में ज़्यादा बात की कुछ बैटल ऐसी कुछ बैटल ऐसी होती है जो आप ही लड़ रहे होते हो आप अपने पार्टनर को भी नहीं बता सकते आप और मैं चाहता भी नहीं ये पता है क्यों ये मेरा लॉजिक लिए सही है गलत है मुझे नहीं पता बट इट्स माई वे ऑफ डीलिंग विद इट कि आ, I still want to feel the pain. I still want to feel it because it's not every day that I'm feeling the pain. When I do feel the pain, it makes me happy that you're, you're still with me. Beautiful, you're still in my memory. You haven't gone. I I I have different approach of. This. I I I know I know it's. उट इट्स वेरी इंपॉर्टेंटेंट टू कम आउट नो प्रॉब्लम फॉर मी इट्स वेरी गुड शुड कम आउट फ्रॉम योर हार्ट क्योंकि अगर वो आंखों पर नहीं आएगा ना आंसू से नहीं निकलेगा इसका मतलब यही रहेगा आपका तो ये मेरा तरीका है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे वो पेन क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग कि इंसान की जिंदगी माँ बाप तो आए हैं और उनको जाने देना तो मुझे लगता है कि पता नहीं मतलब मेरे को किसी ने बोला था कभी प्राइस क्या पता अगर फादर हमेशा साथ रहे तो आप कभी सीख ही नहीं पाते जिंदगी जीनी कैसे होती है कॉस्ट एंड कैन बी कॉस्ट विच यू कॉन्ट एवर रिप्लेस रिवर्स इट्स अ कॉस्ट यू आर नेबर रेडी टू पे यू विल नेवर बी रेडी टू पे दिस प्राइस बट वो आती ऐसी इस बैगेज के साथ है। हमेशा हमेशा तो मैं आपकी बातों से समझ पाया कि मुझे समझ में आया कि शायद उन्होंने आपकी परछाई बन आपका साथ दिया बट एक एक दिन उन्हें लगा कि यार मैं कब तक परछाई बनूंगा आपके यार मुझे भी ये लगता है मुझे भी ये लगता है नाउ ही गाइडिंग मी एज एन एंजल कि मेरा अब तुझे चलना है मैंने एन ही हार्ड डिसीजन यू डी टूक द हार्ड डिसीजन He took that hard कि मैंने तुझे काफी चला दिया अब तू रहा मैं हूं बट तू दौड़ अब खुद से दौड़ बेटर आपको क्या लगता है आप कब कब वो फील करते क्यार? मुझे भी तो समझना पड़ेगा परिवार में एक ब्रेड एंड बटर जो चाहिए होता है उसकी पोजिशन खड़े रहने के लिए क्या होती है बिल्कुल yeah. बेटर uh,

मैं शायद आज भी वो बचपना कर रहा होता मैं आज भी शायद लाइफ को उतनी सीरियसली नहीं लेता जब जर... मैं लेना भी नहीं चाहता ऑनेस्टली मैं नहीं लेना चाहता लाइफ को उतनी सीरियसली मैं अभी तक नहीं लेता हूँ बट जहाँ जरूरी है मुझे समझ में आता है कि थोड़ा बड़ा होना जरूरी है जरूरी है अब वैन इफ एन वैन आई हैव अ चाइल्ड आई नो वट I will विल डू uh, what my father did for me. I will try and do ten folds. कभी हो नहीं पाएगा बट आई नो the best thing for a child would be. उनकी शायद कुछ गलतियां हो सकती है कि मुझे कभी डिसीजन लेने नहीं दिया वो शायद उनकी गलती हो सकती है वही है वही प्यार है बट हाँ, uh, मुझे एक ऐसी चीज सिखा के गए हैं जो कभी मैं कभी नहीं सीख पाता कि एक सपोर्ट सिस्टम जो होता है एक फादर जो होता है वो क्या है टाइम लगता है टाइम एब्सोल्युटली मुझे चीजों की कदर और इस रिलेशनशिप की कदर ये बात मैं आपसे जानना चाहता कदर वो ना बड़े टाइम के बाद समझ में आती कदर क्या चीज होती है लाइफ मुझे इस रिलेशनशिप की कदर चीजों की कदर उतनी नहीं थी मुझे वो समझ में आने लगी तो इन द लास्ट टू इयर्स बिफोर आई लॉस्ट हिम तो दो साल जो थे ना मैं समझा कि ये जो मेरे फादर हैं इन्होंने क्या कर दिया बिकॉज ही वॉज नॉट अ वेरी वोकल पर्सन और मुझे किसने समझाया अगेन अनुष्का शी कहना अनुष्काशी फार्म अम्बर आई आया तो जब उसने हमारा रिलेशनशिप देखा जब उसको मैंने बताई चीज़ें कि यू you नो know, ये सब हुआ मेरी लाइफ में डैड ने ये किया uh, मेरी जो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग जो शुरू हुई थी मैं थाईलैंड गया था वहाँ मेरे डैड पहले चले गए मुझसे पहले आ, एक दो हफ्ता पहले टू फाइंड अ कोच इन अ रैंडम कंट्री टू फाइंड अ कोच फॉर मी उनसे बात की फिर मुझे फोन किया टिकट बुक कर दिया तू अभी आ जा यहाँ पे तू सर के घर पे रहेगा एंड तेरा ट्रेनिंग इतना इतना सबसे मैं सेट कर दिया तो जब मैंने ये सारी चीजें बताई ना बट मेरी कंप्लेन ये होती थी कि यार डैड ने कभी ये नहीं बोला कि यार यार क्या तुरंत परफॉर्म किया यार बहुत अच्छा अरे बट आई लव यू आई लव यू मैंने आज तक नहीं सुना था आज तक नहीं सुना था उनके मुंह से बट मुझे वो तीन थप्पे मिलते थे पेट पे एंड दैट इज इट दैट इज इट तो दैट वॉज माई बिग ट्रीम बट ही वॉज नॉट अ वेरी वोकल पर्सन तो जब मुझे चीजें समझ में आने लगी ना कि एक्चुअली किया क्या क्या बिन बोले क्या क्या करते गए बिन जताए क्या क्या करते गए मेरे लिए यार अपनी चीज़ें छोड़ के मेरे लिए जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज चीज़ें सेटअप करने के लिए आ, मुझे रास्ता दिखा रहे हैं और बेस्ट द बेस्ट ऑफ एवरी थिंग डेट ही कुड मैनेज इन हिज ओन राइट ही डिड द बेस्ट फॉर मी तो बिन बोले मुझे कभी जताया नहीं मुझे कभी ये नहीं ये चीज़ें मुझे बिफोर टू इयर्स बिफोर लूजिंग मुझे ये चीज़ें समझ में आने लगी कि यार मैं इतना बेवकूफ़ था यार कि बोलता गया कि यार थोड़ा वोकल तो थो हो जाओ कुछ बोलो तो सही कुछ कभी पर जरूरत नहीं थी इससे ना एक और बात आती है जिससे बोलते हैं ना कि जिंदगी जब बड़ी होती है ना वो तब समझ में आती है जब कोई जाता है ना तब को समझ में आता है कि फेम ये सब काम हमें लगता है अरे या टेंशन वो ये बहुत छोटी सी चीज़ है असली में ज़िंदगी तब समझ में आती है जब बड़ी पिक्चर समझ में आती है ज़िंदगी करेक्ट करेक्ट इट्स वेरी ट्रू जब एक मुकाम पे कहीं पे कुछ पहुंचते हो ना एंड बेन यू लुक बैक इज आपको चीज़ें समझ में आती है कि ये ये चीज़ें हुई ना जिंदगी में तब जाके ये ये हुआ है वरना उसके बिना आप समझ नहीं पाओगे जब तक आपकी फेलियर्स नहीं होते ना तो आपको वो द वट द नीड फॉर सक्सेस आपको समझ में नहीं आएगी आई बीन बड़ा ट्रिकी मैं एक चीज़ बोलूँगा आई एव वेरी लकी टू हैव फेल्ड फाइड वेर आई एम बिकॉज सैटिस्फैक्शन कभी होती नहीं है इट्स इट्स अस्यूट इट्स कॉन्स्टेंटलीफ है तो आप चाहोगे और बट मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी लाइफ कहाँ पे है अभी अगेन सेम सेम थिंग मैथ्यू से यू ऑलवेज चेज योर हीरो यू 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 थिंक दैट टुडे बिकम अ हीरो बट देन फाइंड ओके यून आई आफ्टर ये तो चलता ही रहेगा मतलब इसका तो कोई एंड ही नहीं है मतलब अगर आपको कोई ऐसा यंग बच्चा मिला जो भी बहुत चीज़ें डीन कर रहा है फेलियर से बहुत डीन कर रहा है वट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव यार जैसे आपकी तरह कोई बंदा उसने बोला ये नहीं ये चीज़ नहीं किया मैंने एक्टिंग में बहुत अपना हार्ट एंड खो दिया अब दिया अब दिया बट नहीं चल पाया एक थर्ड पर्सन व्यू रखो अपने ऊपर और अगर खुद नहीं रख सकते तो ऐसे लोग रखो अपने आसपास जो तुम्हें दिखा सके, बता सके, दिखा सके बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। आप वो, आपको चापलूसी वाले नहीं चाहिए अपने आस पास जो आपको आप, आप जीरो हो तो आपको नहीं बोलेंगे कि आप हंड्रेड हो ये नहीं चाहिए आपको अगर खुद से समझ में आती है ये सारी चीजें तो इट्स द बेस्ट थिंग डू बट ये समझना जरूरी है कि अगर आप क्रिकेट की बात कर लो अगर आपको क्रिकेटर बनना है आपका पैशन है आपकी शिद्दत है अगर आप बहुत अच्छा खेल रहे हो एंड यू लव द स्पोर्ट प्लीज इफ यू थिंक यूर गुड यू विल गेट योर चांस आज नहीं तो कल आपको आपका मौका मिलेगा इफ़ यू आर गुड अगर आपको लगता है कि यार मैं हर मुझे खेलना बड़ा पसंद है पर मैं हर बार पहली बॉल पर आउट हो रहा हूँ तो थोड़ा रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है हो सकता है यू माइट फाइंड समथिंग एल्स दैट यू लव या फिर आप उसकीप इट एज अ पैशन कीप प्लेंग बट कीपैशन उसको अपनी फिर आप उससे शायद अपना घर नहीं चला पाओगे तो ये एक चीज सही सच और एक जो फसाड़ है वो उससे थोड़ा सा सेपरेट करके एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखो बट इफ यू थिंक योर गुड और आपको समझ इस चीज़ की है कि आप सही में आप इस चीज़ में आप माहिर हो तो लगे रहो भाई फेल हो रहे हो ना तो बहुत ही अच्छी बात है भाई क्योंकि फेलियर से डिफिकल्ट चीज और कुछ हो ही सकती है यू इफ एट टू जीरो यू कैन गो इन टू अ माइनस ना आप जाओगे तो एक पे जाओगे दो पे जाओगे फिर एक पे गिरोगे फिर तीन पे जाओगे जाना तो ऊपर ही है फिर उसके बाद आप गिरोगे तो नहीं जीरो से कितना नीचे आ जाओगे भाई फेलियर होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के पीछे ना एक टाइम होता है जैसे अगर कोई चीज़ आज मान लो एक फिल्म नहीं काम करी फिर आपके इस पर एक गैप पीरियड आया लंबा तब कैसे अपने आप को ना वो सेंटर्ड रखते हो कि यार मुझे ना अपने आप को नहीं खोना समझना है ये, ये पार्ट इन पासल ऑफ लाइफ है कि ऐसा ना हो कि इस दौरान मैं अपने आप को इतना जज कर लूँ कहीं मैं अपने आप को ना खो एक तो भरोसा अपने ऊपर अच्छा है भरोसा इस बात से है कि मैंने कभी वो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी नहीं है ना ना मुझे किसी ने बताई ये चीज़ बट हमेशा से ना एक शायद मेरा मन साफ है या पता नहीं क्या है जो भी है बट मैं हमेशा बिलीव करता हूँ दैट एंड मेरा मेरे साथ अच्छा ही होगा जी क्योंकि मैं इंसान बुरा नहीं हूँ मैं आज तक किसी के लिए बुरा चाह नहीं है मैं मेरे मुँह से किसी के लिए बुरा निकलता नहीं है तो एंड में मेरे लिए अच्छा ही होगा भले आज हो जाए या दस साल बाद हो तो इट्स इट्स गोना एंड वेल फॉर मी सो इट्स जस्ट दैट दिस थॉट एंड बिलीफ कि मैं चलते जा रहा हूँ चलते जा रहा हूँ चलते जा रहा हूँ उस बिलीफ के साथ ए, एक सवाल मुझे लगता आप है आपसे पूछना बहुत जरूरी है हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट कि अगर आप एक आदमी हो तो आपको रोना बहुत ज़रूरी है आजकल लोगों ने बड़ी स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट कर रखी है मारना तो रोना नहीं चाहिए बट हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज दैट कि आपके अंदर भी एक इमोशन है उसको बाहर आना बहुत ज़रूरी है बल्नरेबल होना सबसे ज़रूरी है जितना आप बल्नरेबल होगे ना उतना आप ट्रू रहोगे जितना ये क्यों भाई तुम इंसान नहीं हो आरोप पत्थर तो नहीं हो ना यार इन, 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 मतलब रोना आ रहा है यू यू हैड अ लॉस या तुम्हारा काम नहीं बना ये वो इमोशन आ रहा है प्लीज रो यार एंड इफ़ यू हैव अ ग्रेट पार्टनर पार्टनर गुट अंडरस्टैंड व्हाट यू ग्रोइंग थ्रू नहीं किसी के सामने नहीं रोना आ रहा खुद से रो लो लेकिन रो लो इट इज ओके टू डू इट मन हल्का हो जाता है यू रियलाइज हु यू आर जब तक अपने आप को रोक के रखोगे ना तब तक वो अपने आप को समझ नहीं पाओगे निकाल दो समझ लो कि रोने के बाद क्या फील हो रहा है किसी ने मुझसे बोला था जब आप बहुत रोने लगते हो ना तो आपको दिल होता है तब उस दिन आप अपने आप से मुलाकात कर लेते हो बिल्कुल बिल्कुल मैं तो मैं मैं बड़ा इमोशनल हूँ मैं आ, फिल्म देखते देखते मैं रो पड़ता हूँ अच्छा हाँ मेरे साथ तो बहुत होता है यार मैं टाइटैनिक देख लूँ मैं कम से कम पच्चीस तीस बार देख चुका हूँ दे बसंती पच्चीस तीस बार देख चुका हूँ आज भी मैं अगर देख लूँ ना तो मैं रो पड़ता हूँ क्योंकि मैं कनेक्ट हो जाता हूँ ना चीज़ों से और कनेक्शन में खोना नहीं चाहता हूँ अगर जिस चीज़ से मुझे रोना आ रहा है मैं क्यों रोकूँ

आई गिव द बेनिटिट ऑफ डाउट एंड आई लेट गो तुमने मुझे दो गालियाँ बक दी मैं सुन के ले लूंगा मुझे प्रॉब्लम नहीं है उससे मेरी हस्ती नहीं बदलने वाली सो आई लेट गो मुझसे मैं बदल नहीं पाऊंगा अपने आप को आई के नॉट स्टार्ट डिसाइकिंग यू आई के नॉट स्टार्ट अब्यूजिंग यू आई विल ऑलवेज गिव यू दिनिफिट ऑफ डाउट कियर हो सकता है वीक मोमेंट होगा इंसान का या जो भी होगा इंसान खराब है या नहीं मुझे पता नहीं बिकॉज मुझे खराब इंसान समझ नहीं आते माई फादर वॉज अ फेबिलस पर्सन माय ग्रैंडफादर वाज वॉज अरे इवन फेबर पर्सन तो मुझे खराब आदमी समझ नहीं आते मैंने अपने आसपास गलत इंसानों को देखा नहीं है मेरे जो दोस्त भी हैं जितने भी हैं मेरे कॉलेज से लेकर आज तक वही एक मेरा ग्रुप है उनमें से मैं एक जन नहीं बोल सकता कि ये आदमी बुरा है यार तो पता नहीं पहचान नहीं है शायद बुरे इंसानों की लास्ट सवाल पूछता हूँ क्या होता है आपने बोला कि फादर के साथ ऐसा होता कि उनको सब कुछ बोलना है बट आई लवी बोलना नहीं आया हाउ इम्पोर्टेंट डिज इट टूडेज वर्ल्ड से आई लव यून यू फील लाइक ओ यू शुड ओ यू शुड लैंग्वेज सिर्फ इंसानों के बीच में नहीं है ना यार आप तो बिना आई लव यू बोले एक जानवर को भी समझ में आ जाता कि आप प्यार करते हो क्या नहीं करते इट्स सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग टू नो दैट यू आर लवर हुर एक जब uh, माँ या बाप अपने बच्चे को कहते हैं दैट आई लव यू इट्स नॉट बिकॉज तुमने कुछ अच्छा कर दिया आज दैट इज वाई आई लव यू नो आई लव यू बिकॉज आई लव यू इट्स द प्योरेस्ट इमोशन एंड टू बी लव फॉर हु यू आर उससे बेटर कुछ हो सकता इट्स सो इम्पोर्टेंट टू से इट लाउड अपने दोस्तों को बोलो भाई मैं तुझसे प्यार करता हूँ और सिर्फ दारू का इंतजार मत करो okay. <laughs> उस, उसके बाद उसके बाद तो और निकलता है लेकिन उसके बाद भी बोलो इट्स सो गुड टू फील दैट इट्सिंग करने से पहले इट्स पर्सन इट्स अनबिलीवेबल मुझे ना uh, इसलिए मुझे ना वो जलेसी भी समझ में नहीं आती है पता ही नहीं चलता कि मतलब किस बात से हूं योर इफ यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन योर लाइफ आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बिकॉज मैं वो मैं उस कॉम्पिटिशन में मुझे समझ में नहीं आ रहा जो मेरा है वो मेरा होके रहेगा वो मेरा लिख के आया हुआ है वो मेरा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने मेहनत की है उस चीज के लिए वो वो आपका इसलिए हुआ है क्योंकि आपने मेहनत की है उस चीज के लिए वो लिखा हुआ है एवरी एट एवरी स्टेज एट एवरी मोमेंट ना यू मुझे लगता है कि आप के सामने दो दरवाजे होते हैं एक लेफ्ट में है और एक राइट में इट्स वेरी यू चूज टू गो अगर आप लेफ्ट में चले गए ना उसके आगे दो दरवाजे और खुलेंगे और राइट में चले गए उसके आगे दो दरवाजे और खुलेंगे इट्स योर जर्नी इट्स योर पाथ उस पाथ पे और कोई नहीं निकल रहा आपके साथ जो आपका है वो आपका होके रहेगा जस्ट बी ट्रू अच्छे इंसान रहो किसी के लिए बुरा मत सोचो किसी का किसी का अच्छा हो रहा है तो उसके लिए खुश रहो यार आखिर में सब अच्छा ही होगा आखिर में सब अच्छा होगा एंड वेयर थिंग इज अगर आप किसी के लिए बुरा सोचते हो ना तो उसे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आपकी एनर्जी कितनी ड्रेन हो रही है क्योंकि ही इज इन योर ब्रेन लिविंग रेंट फ्री रेंट फ्री ट्रू ब्यूटुल थैंक यू सो मच इट्स अन्वर्जेशन थैंक यू सो मच अमेजिंग वन थैंक यू फॉर हैविंग है